सांप दिखने में छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत ही हाईली वेनमस होता है। और ये स्थिति बहुत गंभीर होती है। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्पमित्र आकाश जाधव यूट्यूब चैनल। तो आज हम पहुंचे हैं पोखरड़ी गांव, यहाँ से हमें अजय गौड़ी इन्होंने कॉल किया था। उनके खेत तालाब में एक सांप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने ही एक रसल स्वाइपर स्नेक है, भारत का सबसे जहरीला सांप। भारत देश में जो चार जहरीले सांप पाए जाते हैं उनमें से एक ये जहरीला चित्ती सांप, इंग्लिश में इस सांप को रसल स्वाइपर स्नेक, हिंदी में चित्ती और महाराष्ट्र में इस सांप को घोनस इस नाम से जानते हैं। ये सांप हाईली वेनमस है, इसमें हीमोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है। रात के समय पर शिकार के लिए सांप बाहर निकलते हैं और इस तरह से खेत तालाब में गिर जाते हैं। तो अहमदनगर में हम सांपों को बचाने का काम करते हैं, चाहे खेत तालाब में हो, घर में हो, किसी के घर के आसपास हो, कुएं में हो, सांप पकड़ करके हम सुरक्षित जगह पर फॉरेस्ट में रिलीज़ करते हैं। आज ऐसा ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सा खेत तालाब है और इसमें एक रसल स्वाइपर सांप है, तो चलिए इसको हम रेस्क्यू करते हैं। बोला पक्का है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला है। इस सांप दिखने में छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत ही हाईली वेनमस होता है। ये देखो बाइट किस तरह कर रहे हैं। जितना छोटा सांप होगा उतना पकड़ने में बहुत ज़्यादा टफ रहता है क्योंकि इसका अटैक जो है जल्दी, बड़ा सांप होता तो जल्दी आसानी से पकड़ा जाता है, छोटा सांप का अटैक जो है जल्दी होता है इसे, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से पकड़ना पड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये किस तरह अटैक करता है और कुकर की सीटी जिस तरह बज रही है उसी तरह ये आवाज निकालता है। और ये स्थिति बहुत गंभीर होती है, जब हम इसके नज़दीक जाते हैं तो ये स्प्रिंग बाइट की तरह अटैक करता है। छोटा है लेकिन आप आवाज़ सुन सकते कितनी तेज़ी से आवाज़ और तेज़ अटैक कर रहा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ फुंकार। और ऐसे छोटे सांप जो है आप सोच रहे होंगे कि बड़ी आसानी से कोई भी पकड़ सकता है लेकिन ऐसा नहीं, ये बहुत तेज़ अटैक करता है, इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ स्थिति में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है जब हम इसको पकड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम बैग में डालते हैं, इससे पहले यहाँ पर इसको ध्यान से देख लेना। सांप जो है ब्राउन कलर में दिखता है, गोल्डन ब्राउन कलर में, और उसके ऊपर चैन की तरह गोलाकार ऐसे धब्बे होते हैं, डार्क चॉकलेटी कलर में, ब्राउन कलर में, हल्के से पीले कलर में ये धब्बे दिखाई देते हैं और उसके ऊपर वाइट कलर में बॉर्डर भी दिखाई देती है। लगाओ बैग। दोस्तों आपने देखा एक रसल स्वाइपर स्नेक खेत तालाब में रेस्क्यू किया था, इस सांप को मैं यहाँ पर पर्यावरण में रिलीज कर रहा, आप देख सकते हैं अभी यह सांप अपने पर्यावरण में आज़ाद है। इसी तरह सांपों के बारे में जानकारी जानने के लिए, सांपों के रेस्क्यू वीडियो देखने के लिए
हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।